बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन वन। अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर्स प्रिंसिपल, व्हेन एवर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड फॉर अ चेंज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, द इक्विलिब्रियम गेट्स इटसेल्फ शिफ्टेड इन अ डायरेक्शन टू अनडू द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज। देखिए, ये सिर्फ ली शेटलियर्स प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और हम प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन चेंज करके उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें तो सिस्टम उस तरफ जाता है, यानी वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, ताकि वो जो चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन था उसके अफेक्ट को कैंसिल कर दे। इसे कहता है ली शेटलियर्स प्रिंसिपल। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। आम तौर पे इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट बाय कीपिंग इन व्यू द अबव प्रिंसिपल। मतलब अब यहाँ यूं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट बाय कीपिंग इन व्यू द ली शेटलियर्स प्रिंसिपल। अल्फा, एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑलवेज फेवर्स द रिएक्शन वेयर वॉल्यूम आर मोल्स डिक्रीजेस। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक जब मोल कम होते हैं तो बेसिकली वॉल्यूम भी कम होता है, और बॉयल्स लॉ के मुताबिक जब वॉल्यूम कम होता है तो फिर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो हम एक बात जानते हैं कि कोई भी सिस्टम जैसा कर रहा हो हम भी वैसा करें तो वो उसके लिए फेवरेबल होता है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स जाते हुए मोल कम हो रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी प्रेशर बढ़ रहा है, हम भी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके लिए फेवरेबल होगा। बीटा, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स द रिएक्शन शोइंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बिल्कुल गलत। क्यों? कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस जब हो रहा होता है तो वो हीट बाहर फेंक रहा होता है, यानी अपनी हीट कम कर रहा होता है, तो उसके लिए फेवर तो तब होगा जब हम भी हीट यानी टेम्परेचर कम करें। पर यहाँ हमने बात की कि टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये बात गलत हो गई। चार्ली, एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। देखिए, जब हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाएंगे, तो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक। एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलवेज फेवर्स बैकवर्ड रिएक्शन। बिल्कुल सही, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम वाली जो कंसंट्रेशन है उसकी निस्बत आप प्रोडक्ट्स बढ़ा देंगे तो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन टू। वैल्यू ऑफ केएसपी फॉर पीबीएसओ4 सिस्टम एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। क्यों? कि केएसपी ऑफ पीबीएसओ4 की वैल्यू बुक्स में थ्योरी के अंदर दी हुई होती है। जैसे आपकी बुक की थ्योरी के अंदर पीबीएसओ4 की ये केएसपी की वैल्यू दी हुई है, तो जो चीज़ बुक की थ्योरी में मेंशन हो, वो चाहे मेमोराइज करने वाली भी हो, तो वो पेपर का पार्ट हो सकती है। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन थ्री। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए, अल्फा है प्रेशर शुड बी डिक्रीज्ड। देखिए, रिएक्टेंट्स के 4 मोल हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल हैं, यानी रिएक्शन जब फॉरवर्ड जा रहा है तो अपने मोल कम कर रहा है। अभी हमने डिस्कस किया कि एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम भी कम हो रहा है,
लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है तो हम भी प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड में फेवरेबल होगा यानी यील्ड बढ़ेगी। तो चूंकि यहाँ डिक्रीज का जिक्र कर दिया प्रेशर का, इसलिए अल्फा रॉन्ग हो गया। बीटा, अमोनिया शुड रिमेन इन रिएक्शन मिक्सचर। अगर अमोनिया रिएक्शन मिक्सचर में रहेगा तो ये इक्विलिब्रियम रहेगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड को सिर्फ ज़्यादा मूव नहीं करेगा, यील्ड इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन अगर हम अमोनिया जैसे बने उसे निकाल लें तो प्रोडक्ट्स चूंकि कम हो जाएंगे, फिर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इस तरह यील्ड बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। प्रेशर शुड बी इंक्रीज्ड, तो बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया था ये बात सही है। डेल्टा, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी डिक्रीज। देखिए, अगर रिएक्टेंट्स बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड को शिफ्ट होगा, लेकिन अगर आप इसको कम कर दें तब तो रिवर्स हो जाएगा, अमोनिया बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, तो ये भी गलत। सो द आंसर इज चार। यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, किसी भी एमसीक्यू में अगर दो ऑप्शंस उलट हों तो 99% क्वेश्चंस में आंसर उन्हीं में से होता है। जैसे अल्फा में प्रेशर शुड बी डिक्रीज और चार्ली में प्रेशर शुड बी इंक्रीज, देखिए दो अपोजिट ऑप्शंस थी तो आंसर उन्हीं में से ही निकला। क्वेश्चन 4, द पीएच ऑफ 10^-3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 5, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन है, देखिए एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल से एस्टर और वाटर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट व्हेन वी ऐड मोर एथनॉल एट इक्विलिब्रियम। अल्फा, द कंसंट्रेशन ऑफ एथनॉल इज इंक्रीज्ड। बिल्कुल, अभी हमने एथनॉल डाला है तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज ही होगी। बीटा, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट। भाई जब आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जैसे कि एथनॉल एक रिएक्टेंट है, तो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन किस तरफ जाता है, फॉरवर्ड यानी राइट डायरेक्शन में, ये भी ठीक है। मोर एथनॉल रिएक्ट्स विद एथनोइक एसिड एंड मोर इथाइल एथनोएट एंड वाटर आर फॉर्म, यानी रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने का मतलब यही है कि ये आपस में मजीद रिएक्ट करके और एस्टर और वाटर बनाएंगे। डेल्टा, देयर इज नो अफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एथनॉल टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बिल्कुल गलत, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर जो इक्विलिब्रियम में हो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमेशा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड को शिफ्ट होगा, या प्रोडक्ट्स रिमूव करेंगे तब भी फॉरवर्ड को शिफ्ट होगा एंड वाइस वर्सा। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 6, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केएसपी। इट इज फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स। बिल्कुल ठीक, इफ सॉल्युबिलिटी इज नोन केएसपी कैन बी डिटरमिन्ड। बिल्कुल ठीक, इफ केएसपी इज नोन देन सॉल्युबिलिटी कैन बी डिटरमिन्ड, ये भी ठीक है। इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स इज ग्रेटर देन 0.1। बिल्कुल नहीं, ये तो 0.01 तक या उससे कम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस के लिए यूज होती है। सो द आंसर इज डेल्टा। लेकिन अगर हम इसमें बीटा और चार्ली को किसी एग्जांपल से डिस्कस कर लें तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एक सॉल्ट है लाइक AgCl, अब जब ये आयोनाइज होगा तो इसकी आयोनाइजेशन जो है वो ना होने के बराबर होगी। इसका जब हम KSP लिखेंगे तो ये बराबर होगा AgIn
key concentration raised to power 1 into C-alanine key concentration raised to power 1. जब solubility product के हवाले से हम इसे लिखेंगे तो देखिए ये KSP किसके बराबर होगा, जब एक AgCl ionize होता है तो एक Ag plus और एक Cl minus बनता है, मतलब अगर इस Ag की solubility 1 है तो Cl की solubility भी 1 ही है. तो इसके लिए हमारे पास एक expression आ जाएगा KSP is equal to S square. देखिए बड़ी important बात कि अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी दे दी जाए कि वो के जी सपोज सिल्वर आयन है या क्लोराइड आयन है, उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 2 है, तो के एस पी निकाले तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो के एस पी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. अब यहाँ पे हमसे कुछ यूँ भी पूछा जा सकता है कि देखिए ये जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एस किसके इक्वल होगा, के एस पी के स्क्वायर रूट का. अब अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए AgCl का KSP और कहा जाए उसकी वैल्यू 4 है, तो आप सॉल्युबिलिटी निकालें तो हम 4 का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2, यानी वो इसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी. सो द आंसर इज डेल्टा. क्वेश्चन 7, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. ग्रेटर इज द Ka वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. बिल्कुल ठीक, जितना Ka ज्यादा उतने एचाइन ज्यादा, और जितने एचाइन ज्यादा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग. बीटा, ग्रेटर इज एच आइन कंसंट्रेशन, वीकर इज द एसिड. बिल्कुल गलत. चार्ली, ग्रेटर इज के बी वैल्यू, वीकर इज द बेस. भाई अगर के बी ज्यादा होगा तो इसका मतलब ओ एच आइन ज्यादा होंगे, ओ एच आइन ज्यादा होंगे तो बेस वीक नहीं होगा, वो स्ट्रांग होगा. डेल्टा, ग्रेटर इज के ए वैल्यू, ग्रेटर इज द के बी वैल्यू. भाई अगर के ए वैल्यू ज्यादा है तो एच आइन ज्यादा है, स्ट्रांग एसिड है, तो जब स्ट्रांग एसिड है तो उसमें OH आयन कम होंगे, जब OH आयन कम होंगे तो KB भी कम होगा, तो ये भी गलत. तो फिर सही ऑप्शन कौन सी है, अल्फा. सो द आंसर इज अल्फा. क्वेश्चन 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K. पहली है, इट हैज अ डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर. हर रिएक्शन के लिए इसकी अपनी एक खास वैल्यू होती है, जैसे एस्टर फॉर्मेशन के लिए Kc की वैल्यू 4 है, इसी तरह HF की डीकम्पोजिशन के लिए एट 2000 डिग्री सेल्सियस Kc की वैल्यू 10 रेस टू पावर माइनस 13 है. इसी तरह अगर हम बात करते हैं ओजोन की डीकम्पोजिशन, तो ओजोन की डीकम्पोजिशन के लिए Kc की वैल्यू 10 रेस टू पावर 55 है एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो 1 ठीक है. दूसरा, द वैल्यू ऑफ के डज नॉट चेंज इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरियस स्पीशीज इन द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रियम आर मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर. देखें, इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमारे पास है H2 और I2 से मिलके H2HI का बनना, इसका जो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 49. अगर हम इसी रिएक्शन को बैलेंस कुछ इस तरह से करें कि हाफ एच टू प्लस हाफ आई टू गिव्स एच आई, इसका जो K है उसकी वैल्यू कितनी है, 7. अब इन दोनों के K का रिलेशनशिप क्या है, कि ये जो K2 है ये असल में K1 रेस टू पार हाफ है, यानी उसका स्क्वायर रूट है, तो इसकी वैल्यू 7. अब आप देखिए रिएक्शन तो असल में सेम है, लेकिन जैसे ही आपने क्या चेंज किए, कोएफिशिएंट्स, तो इसके के की वैल्यू सेम रही या चेंज हो गई, तो चेंज हो गई. तो यहाँ उसने कहा था कि डज नॉट चेंज, तो इसका मतलब ये बात क्या है, ये बात गलत है. तीसरी, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द के फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द के फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. यानी अगर फर्ज किया कोई एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, उसमें ए से बनता है बी, और हम कहते हैं उसका जो केसी है वो 4 है. भाई जब आप कहें ना बी से बना ए, तो उसका जो केसी होगा वो 1/4 होगा, यानी आंसर होगा 0.25. तो अब देखिए फॉरवर्ड के लिए केसी और है और रिवर्स के लिए केसी और है, तो ये बात भी क्या है, ये बात भी सही है. चौथी है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन.
भाई जब नाम ही उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ये तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ये इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन से, तो ये भी सही है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो आपको नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट गलत थी, सेकंड स्टेटमेंट, सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 9, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। पहली बात यह है इट इज डायनेमिक और स्टैटिक इन नेचर। अगर हम कहते हैं जी डायनेमिक है, इसका मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो रिएक्शन रुकता नहीं है, वो होता रहता है। लेकिन स्टैटिक का मतलब यह है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो रिएक्शन रुक जाता है। हमें तो पता है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा इन मोशन होते हैं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कभी क्या नहीं हो सकता, स्टैटिक नहीं हो सकता, वो क्या ही होगा, डायनेमिक होगा। तो ये बात क्या है, गलत है। बीटा, इट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मतलब क्या है कि आप इक्विलिब्रियम को देख सकते हैं। वैसे अगर हम सिंपल जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें कि एक टब ले लें, टब के अंदर पानी डाल दें इस तरह के, एक साइड पे ज़्यादा और एक साइड पे कम और बीच में पार्टीशन हो, आप पार्टीशन हटाएंगे तो जिधर पानी ज़्यादा होगा उससे उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा जिधर पानी क्या है, कम है। तो ये हमें नज़र आ रहा है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, तो ये बात क्या है, सही है। चार्ली, इट कैन एस्टेब्लिश फ्रॉम आइदर साइड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। भाई अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिवर्स को आएगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड को जाएगा, दोनों डायरेक्शन में ये एस्टेब्लिश हो सकता है। इट कैन एस्टेब्लिश इन क्लोज्ड सिस्टम, तो सिस्टम तीन तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। केमिकल इक्विलिब्रियम की टर्म सिर्फ किस में स्टडी की जाती है, क्लोज सिस्टम में, ये भी सही है। तो फिर गलत ऑप्शन कौन सी थी, अल्फा। क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए, इंक्रीज इन प्रेशर की हमने बात करनी। अब इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब क्या है, हमने कहा था डिक्रीज इन वॉल्यूम, और डिक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब है डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। अब अल्फा पे क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर है, इसका मतलब वॉल्यूम बराबर है या प्रेशर बराबर है, तो फिर प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। बीटा पे क्या है कि प्रोडक्ट्स के मोल बढ़ रहे हैं, अगर मोल बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी प्रेशर कम हो रहा है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उल्टा काम करेंगे ना, तो ये फेवरेबल होगा किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये भी सही है। चार्ली में प्रोडक्ट्स के मोल कम हो रहे हैं, मोल कम हो रहे हैं यानी वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो ये इसके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगा, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बात क्या हो गई, गलत। डेल्टा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल बराबर हैं यानी वॉल्यूम बराबर है, मतलब प्रेशर बराबर है, तो वॉल्यूम या प्रेशर चेंज करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये भी सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, चार्ली। क्वेश्चन 11, द के ए वैल्यूज ऑफ HCl, एसिटिक एसिड, HF, H2SO4 आर, ये वैल्यूज दे दिए। क्वेश्चन ये है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है पहले वो लिखना है जिसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है, फिर वो लिखना सबसे आखिर में वो लिखना है जिसकी एसिडिटी सबसे कम है। तो अब इसमें सबसे कम जो के वैल्यू है वो है 1.85 × 10⁻⁵। ये किसकी है जी, ये देखें, ये एसिटिक एसिड की है, इसका मतलब एसिटिक एसिड सबसे आखिर में होना चाहिए। अब देखें, ना तो वो डेल्टा में सबसे आखिर में है और ना बीटा में, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। अब सबसे ज़्यादा जो के वैल्यू है वो किसकी है, वो HCl की है, तो HCl सबसे पहले होना चाहिए, तो अल्फा में भी पहले है, चार्ली में भी पहले है। उसके बाद जो वैल्यू है वो 10⁻² है, वो किसकी है, वो हमें नज़र आ रही है वो H2SO4 की, यानी HCl के बाद H2SO4 होना चाहिए, तो वो सिर्फ किस ऑप्शन में है, अल्फा और चार्ली में से, चार्ली में, सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 12, इफ के ए वैल्यू फॉर एन एसिड इज हायर, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, क्योंकि जब के ए ज़्यादा होता है तो एच आयन ज़्यादा होता है, तो एसिड स्ट्रांग होता है।
रिलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विद पीकेए, पीकेए के साथ रिलेट करें। देखें ये फिर उसी तरह का क्वेश्चन है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई थी इसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब देखें कि हायर इज द पीके वैल्यू, वीकर इज द एसिड। इसके लिए एक बात याद रखें कि अगर मैं यहां पे लिखूं कि मेरे पास है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वीक बेस होता है। तो इनके लिए आठ बातें याद रखनी। आठ बातें कौन सी? आठ बातों में से पहली बात यह है कि एच आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई अब एच आयन का जब नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो क्या होता है, पीएच, तो वो क्या होती है, बाकियों की निस्बत कम। इसी तरह जब एच आयन ज्यादा है तो फिर ओ एच आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो कम होगी। और जब पीएच कम है तो फिर पी ओ एच क्या होगी, वो ज्यादा होगी। अब एच आइन ज्यादा होते हैं तो इनका रिलेशनशिप होता है के से, तो फिर ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब के का नेगेटिव लॉग लेंगे पी के, तो वो क्या होगा, वो कम होगा। इसी तरह अगर हम ओ एच आइन की बात कर रहे हैं वो कम है तो फिर के बी भी कम होगा, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और के बी अगर कम है तो इसका नेगेटिव लॉग लेंगे यानी पी के बी, तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये आठ बातें हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस के लिए, और अगर इन सबको उलट कर देंगे तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हो जाएंगे। तो अब देखें अल्फा, हायर इज द पीके वैल्यू, वीकर इज द एसिड, यानी एसिड वीक है तो पीके ए ज्यादा होगा। देखिए पीके ए कम है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब वाकई अगर पीके ज्यादा होगा तो एसिड वीक होगा। तो अल्फा क्या है, सही है। बीटा, पीके वैल्यू हैज नो रिलेशन विद स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, बिल्कुल गलत। भाई पीके कम होगी तो एसिड स्ट्रांग होगा, पीके ज्यादा होगी तो एसिड वीक होगा, रिलेशनशिप तो है, तो फिर ये गलत हो गया। चार्ली, लोअर इज द पीके वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, यानी पीके कम है तो एसिड स्ट्रांग है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये भी सही है। डेल्टा है बोथ ए एंड सी, तो देखिए ए भी सही था और सी भी सही था, सो द एक्चुअल आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ केसी, केसी की वैल्यू को कौन से फैक्टर्स चेंज करते हैं। देखिए केसी बराबर होता है के एफ ओवर के आर, के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड स्टेप, के आर क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स स्टेप। अब एक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं आर हीनियस इक्वेशन, इसमें ये जो के है ये बराबर है किसके, ए डॉट ई और रेस टू पार माइनस ई ए ओवर आर टी। अगर हम इस इक्वेशन में ये टेम्परेचर बढ़ा दें, और सपोज ये माइनस ना होता तो टेम्परेचर बढ़ाने से ई ए ओवर आर टी क्या हो जाता, कम, लेकिन माइनस का मतलब ये है कि अब बढ़ जाएगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ाने से ई की पावर बढ़ जाएगी तो एक बड़ा आंसर आएगा, उसका प्रोडक्ट विद ए जो के कांस्टेंट है भी बड़ा होगा, यानी क्या बड़ा होगा, के, यानी टेम्परेचर का के जो कि रेट कांस्टेंट है उससे कौन सा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये हमें कौन सी इक्वेशन बताती है, आर हीनियस इक्वेशन। अब इसको हम डिटेल से समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड स्टेप का भी हो सकता है और रेट कांस्टेंट रिवर्स स्टेप का भी हो सकता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए। देखिए सपोज हम ये कहते हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी मिलके बनाता है सी, और इसका जो डेल्टा एच है वो है प्लस 20 किलो जाउल पर मोल। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, हम ये देखना चाहते हैं कि इसके के सी पे टेम्परेचर के बढ़ाने या कम करने पे कोई असर होता है या नहीं होता, अगर होता है तो क्या होता। सपोज करते हैं कि के सी बराबर था के एफ ओवर के आर, हम ये कहते हैं कि इसका के सी है वन, कैसे, कि इसका के एफ और के आर दोनों की वैल्यू 10-10 थी, तो आंसर क्या आ गया, वन आ गया। अब हम दोनों केसेस इसमें डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए पहला केस ये है इंक्रीज इन टेम्परेचर, और दूसरा केस क्या है डिक्रीज इन टेम्परेचर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखिए अगर हम कहते हैं ना इंक्रीज इन टेम्परेचर, भाई इंक्रीज इन टेम्परेचर है तो के यानी रेट कांस्टेंट तो बढ़ेगा, पर कौन सा फॉरवर्ड या रिवर्स, दोनों हमने अभी साबित किया, पर कौन ज्यादा और कौन कम बढ़ेगा। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखिए फर्ज किया कि मेरा एक बॉस है, वो मुझे बुलाता है, कहता है जाहिद साहब आप ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमने आपकी सैलरी जो है वो बढ़ानी है। अब पहले कितनी है 10, तो बताएं 10 से 12,000 कर दें या 11,000। आप देखिए मैंने फौरन क्या कहना, मैंने कहना 12,000, क्यों के अगर बढ़नी ही है और दो ऑप्शन है मेरे पास, 11 भी है और 12 भी, तो मेरे लिए फेवरेबल कौन सी है 10 से 12,000 होंगे, जबकि 11,000 फेवरेबल नहीं है किसकी निस्बत 12,000 की निस्बत। अगली बात, अगर फर्ज किया वो बॉस मुझे बुलाता है, कहता जाहिद साहब आपको बिल्कुल पढ़ाना नहीं आता, हमने डिक्रीज करनी है आपकी सैलरी, कैसे है तो 10,000, ऑप्शन दो हैं, बताइए डिक्रीज करके हम 9,000 कर दें या फिर 8,000 कर दें। देखिए मैंने फौरन क्या कहना, मैंने फौरन कहना है भाई आप 9,000 कर दें, क्योंकि अगर डिक्रीज होनी ही है तो 10 से 9 हो तो मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल है एज कम्पेयर टू कि 10 से क्या हो जाए 8 हो जाए। मतलब हमें यह समझ आई कि बढ़ना फेवरेबल कब होता है, जब ज्यादा बढ़े यानी 10 से 12 हो 10 से 11 ना हो, और कम होना कब फेवरेबल होता है जब थोड़ा कम हो यानी 10 से 9 हो 10 से 8 ना हो, यह बात याद रखनी। देखिए चूंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडो है तो इसके लिए इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवरेबल है, लेकिन डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है कि ये जब फॉरवर्ड में जा रहा है तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हम भी उसे हीट देंगे तो जैसा वो कर रहा था हमने भी वही किया, इसलिए फेवरेबल। लेकिन अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो हम उल्टा काम कर रहे हैं, इसलिए ये उसके लिए अनफेवरेबल। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि भाई इसके लिए जो के सी है वो है तो वही के एफ ओवर के आर। देखें आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, लेकिन चूंकि फॉरवर्ड में फेवरेबल है तो बढ़ने का मतलब है ज्यादा बढ़ेगा यानी 10 से 12 होगा, और रिवर्स वाला भी बढ़ना है लेकिन अनफेवरेबल रिवर्स के लिए, तो फिर क्या होगा बढ़ेगा तो सही पर कम बढ़ेगा। तो आप देखें क्या होगा, के सी की वैल्यू पहले से ज्यादा हो जाएगी, पहले कितनी थी 1 थी तो अब 1.1 होगी। लेकिन अगर यही डिक्रीज इन टेम्परेचर के लिहाज से देखें तो वहां भी तो के एफ और के आर की रेशियो था, चूंकि आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो फॉरवर्ड तो एंड होता वो हीट ले रहा है, आप हीट कम कर रहे हैं उलट काम कर रहे हैं, तो इसलिए फॉरवर्ड के लिए अनफेवरेबल। लेकिन रिवर्स के लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा। आप देखें टेम्परेचर कम होना है तो रेट कांस्टेंट ने कम होना है, लेकिन आप कह रहे हैं रिवर्स के लिए फेवरेबल है, तो बताएं तनख्वाह का कम होना फेवरेबल कब था, जब 10 से 9 हुई थी 8, 10 से 9 तो इसका मतलब यहाँ पे 9 होगा और ऊपर कितना होगा 8, तो आप देखेंगे आंसर जो है वो पहले से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब चूंकि टेम्परेचर चेंज करने से के एफ भी चेंज हुआ के आर भी चेंज हुआ, तो ऑटोमेटिकली क्या चेंज हुआ के सी भी, तो टेम्परेचर ही किसको अफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी को। लेकिन यहाँ एक और बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें यहाँ से ये बात भी समझ आ गई कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में अगर हमने प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ानी हो तो टेम्परेचर का बढ़ाना फेवरेबल होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के सी बढ़ जाएगा, जब के सी बढ़ता है तो यील्ड ज़्यादा होती। लेकिन अगर आपके पास यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता तो सब कहानी उलट हो जाती, यानी उसके लिए टेम्परेचर का बढ़ाना फेवरेबल ना होता बल्कि टेम्परेचर का कम करना फेवरेबल होता, तब उसकी यील्ड बढ़ने की। बात समझ आ गई, तो बहरहाल आंसर डेल्टा।
क्वेश्चन 14, विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट? ये रिएक्शन है SO3 की फॉर्मेशन का. SO3 की फॉर्मेशन के अंदर आप देखें अल्फा पे लिखा है वैल्यू ऑफ KP फॉल्स विद राइज इन टेम्परेचर. भी अभी मैंने आपको बात समझाई थी, जो KC का रिलेशनशिप होगा वही KP का होगा, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ. तो अब देखें, चूंकि ये एक्सो है, अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था कि भाई एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने से KC बढ़ गया था, इसका मतलब एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने से KC कम हो जाएगा. अब ये क्या है? ये एक्सो है. अगर ये एक्सो है तो टेम्परेचर बढ़ाने से KP या KC कम हो जाएगा, तो ये बात क्या है? ये सही है. बीटा पे है वैल्यू ऑफ KP फॉल्स विद इंक्रीजिंग प्रेशर, बिल्कुल गलत. प्रेशर का KC से या KP से कोई लेना देना नहीं है. चार्ली, एडिंग वेनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ SO3, कि जब आप V2O5 कैटलिस्ट डालते हैं तो उससे SO3 की यील्ड बढ़ जाती है, बिल्कुल गलत. कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, उसका यील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है. अलबत्ता इक्विलिब्रियम वक्त से पहले आ जाता है, क्योंकि वो जितना फॉरवर्ड रेट बढ़ाता है उतना रिवर्स बढ़ा देता है, तो ये भी गलत हो गया. डेल्टा वैल्यू ऑफ KP इज इक्वल टू KC, भाई वैल्यू ऑफ KP इक्वल टू KC नहीं होती. कब? जब मोल डिफरेंट हो. तो आप देखें, अगर प्रोडक्ट के मोल कम हो तो KP कम होता है KC से, तो इसका मतलब ये बात क्या होगी? गलत. तो फिर सही बात कौन सी है? सिर्फ अल्फा. क्वेश्चन 15, इन द हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम, भाई नाइट्रोजन एयर की डिस्टिलेशन से हासिल की जाती है. सो द आंसर इज चार्ली. क्वेश्चन 16, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डीकम्पोजेस ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. ये इक्वेशन है, When 4 mole of nitrogen dioxide यानी NO2 के 4 mole हैं were put into a 1 dm³ container. Container हमारे पास 1 dm³ का है, उसमें इसके 4 mole डाल दी and heated. The equilibrium mixture contained 0.8 mole of oxygen. उसमें oxygen के 0.8 mole हैं. What is the numerical value of equilibrium constant KC at temperature of the experiment? हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं. सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 2NO2 और इससे बनता है 2NO और प्लस O2. अगर O2 है तो मैं इसे कह सकता हूँ 1O2. देखिए, जब टाइम ज़ीरो होगा यानी जब रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो हमें बता दिया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 4 moles. उस वक्त क्या होगा? प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना होगा, तो इनके 0-0 mole होंगे. लेकिन जब टाइम होगा, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ नोन है, वो क्या है? कि ऑक्सीजन के 0.8 मोल हैं. देखिए, हम ऑक्सीजन की जगह पे लिख देते हैं 0.8. अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये 1 mole है तो ये 0.8 के बराबर है, तो इसके 2 हैं तो वो इससे डबल होगा. अगर वो डबल होगा तो वो होगा 1.6. अब देखें, ये रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन 4 थी. अगर 1 mole प्रोडक्ट बना था तो हमने कहा था 0.8 है वो, तो भाई अगर 1 mole यूज होता 4 में से तो हम 4 में से 0.8 माइनस कर लेते. लेकिन ये कितना यूज हुआ है? 2. इसका मतलब 4 में से 0.8 का डबल जो है वो माइनस हो जाएगा. जैसे इसके 2 मोल थे 1.6, इसके भी 2 थे तो क्या था? 1.6. तो इक्विलिब्रियम पे ये कितना बचा? 2.4. ये कितना? 1.6 और ये 0.8. अब जब हम इसका KC लिखेंगे तो क्या होता है? ऊपर प्रोडक्ट्स, एक हमारे पास NO है उसका स्केयर, एक O2 है उसकी पावर 1, और नीचे क्या होगा? रिएक्टेंट्स NO2, 2 मोल हैं तो पावर 2 हो जाएगी. तो देखिए क्या आएगा KC हमारे पास, NO की वैल्यू क्या है? 1.6 है और उसकी पावर 2 है. O2 की क्या वैल्यू है इक्विलिब्रियम पे? 0.8 है और उसकी पावर 1 है. जबकि रिएक्टेंट्स में NO2 है, उसकी क्या वैल्यू थी? NO2 की वैल्यू थी 2.4,
हम यहाँ पे लिख देंगे 2.4 और उसकी पार कितनी थी, 2 थी। तो देखिए ऐसी ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, सिर्फ डेल्टा पे। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 17, 0.1 मोल ऑफ एथनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एथनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड व्हेन के वैल्यू ऑफ एथनोइक एसिड इज 4×10⁻⁵। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जी एसिटिक एसिड था, ये आयोनाइज हुआ, एसीटेट आयन और एच आयन बने। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, वो है जी 0.1 मोल, लेकिन चूंकि टाइम जीरो होता है तो प्रोडक्ट जीरो होंगे, लेकिन जब हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो जितने भी किसी भी चीज़ के मोल बनेंगे तो हम कहेंगे उतने एक्स बने। तो इसका देखें एसीटेट का एक मोल है तो हम कहेंगे एक्स मोल, एच आयन का एक मोल है हम कहेंगे एक्स मोल। अब जितने मोल इसके यूज होंगे इनिशियल कंसंट्रेशन में से उतने माइनस कर देंगे। तो अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 थी और इसका एक मोल यूज हुआ तो हमने माइनस एक्स कर दिया। अब चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो 0.1 थी उसमें से जो आयोनाइज हुए यानी एक्स, वो ना होने के बराबर होंगे। तो जब बहुत कम वैल्यू 0.1 में से माइनस करेंगे तो तकरीबन क्या रहेगी 0.1। तो देखिए 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 0.1। अब देखिए जब हम इसका केस ही लिखेंगे तो ऊपर प्रोडक्ट्स होंगे तो ये भी एक्स है ये भी एक्स है तो ये एक्स इंटू एक्स हो जाएगा और नीचे 0.1 माइनस एक्स की बजाय जस्ट 0.1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वेयर नीचे 0.1 और इधर क्या होगा, इधर देखिए के है। अब के वैल्यू उसने हमें बता दी थी, ये 0.1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 10⁻⁻¹। तो ये हो जाएगा 4×10⁻⁶। हमने एक्स स्क्वेयर में से एक्स की वैल्यू निकाली, ये स्क्वेयर दूसरी तरफ जाके स्क्वेयर रूट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2×10⁻⁶। ये किसकी वैल्यू है, देखें एक्स की। ये एक्स क्या हो सकते हैं, ये देखिए एच आइन भी हो सकते हैं एसीटेट आइन भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए परसेंटेज आयोनाइजेशन तो हमें एच आइन की वैल्यू चाहिए। तो ये एच आइन ही है बेसिकली। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो एच आइन बने इसका मतलब है वो एसिड आयोनाइज हुआ है तो वो यही वाला है ना, और इनिशियली कितना था 0.1, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से तो आपके पास परसेंटेज आयोनाइजेशन आ जाएगी कितनी 2%। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फार्मूला। इनकरेक्ट कौन सा है, देखें के ए डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, के बी डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस, का प्रोडक्ट के डब्ल्यू, सही। पी के और पी के बी का सम 14 होता है, सही। पी एच और पी एच का सम भी 14 होता है, सही। पी एच बराबर पी के ए प्लस, ये साल्ट की कंसंट्रेशन ऊपर होती है और एसिड की कंसंट्रेशन नीचे होती है, तो ये क्या है, ये गलत है। तो आंसर डेल्टा। दूसरा एक शॉर्टकट याद रखना है कि ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं एसिड्स के, के ए के बी या पी के पी के बी और एच आइन ओ एच आइन या पी एच और पी ओ एच का याद रखना है, जिसमें पी होगा ना वहाँ दोनों में प्लस होगा, जहाँ पी नहीं होगा वहाँ प्लस नहीं होगा। देखिए अब इन दोनों में पी नहीं है तो प्लस भी नहीं है, इन इन दोनों में पी है तो प्लस है, इन दोनों में पी है तो प्लस है। तो बहरहाल आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 19, यूनिट्स ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखिए इसके लिए कौन सी यूनिट्स होंगी, तो जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर हों तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। मसलन जब हम इसका केसी लिखेंगे तो ऊपर प्रोडक्ट्स उनकी कंसंट्रेशन कितनी है 2, तो उसकी पार 2 हो जाएगी। नीचे रिएक्टेंट्स H2 का 1 मोल है पार 1, I2 का भी 1 मोल है पार 1। अब देखिए ऊपर मोल पर डीएम क्यूब का क्या होगा, स्केयर होगा, मतलब मोल पर डीएम क्यूब कितनी दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा। और नीचे H2 के लिए भी होगा मोल पर डीएम क्यूब और I2 के लिए भी क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये इससे, सो दिस रिएक्शन विल हैव नो यूनिट। आंसर 4। क्वेश्चन 20, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट। पहली बात, पी एच क्या होती है, ये हाइड्रोजन आयन की पावर होती है।
बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव लॉग लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, स्मॉलर इज पीएच वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। हम अभी हमने डिस्कस किया था कि एच आइन ज़्यादा होते हैं तो पीएच कम होती है और एसिड स्ट्रॉन्ग होता, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बीटा, के डब्ल्यू ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर है और इसकी यूनिट जो है वो ये है। देखिए, जब के डब्ल्यू असल में एच आइन की कंसंट्रेशन और ओ एच आइन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, अब इसकी यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब होगी, इसकी भी मोल पर डीएम क्यूब होगी, तो मोल कितनी दफ़ा होगा, दो दफ़ा, तो मोल की पावर टू होगी। जब पर डीएम क्यूब यानी डीएम की पावर माइनस थ्री भी दो दफ़ा होगा तो ये कितना हो जाएगा, टोटल माइनस सिक्स हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस थ्री, तो ये बात क्या है, गलत। चार्ली, के ए डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड है, के ए ज़्यादा होगा तो एसिड स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब के ए ज़्यादा होता है तो एच आइन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है, ये बात सही है। डेल्टा पी के ए, ये के ए का नेगेटिव लॉग है। स्मॉलर इज पी के वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। देखिए, पी के ए कम कब होती है, जब के ए ज़्यादा होता है, और के ए ज़्यादा कब होता है, जब एच आइन ज़्यादा होते हैं, और एच आइन ज़्यादा होते हैं तो एसिड स्ट्रांग होता है, तो ये बात भी सही है। तो क्वेश्चन में गलत पूछा था, गलत कौन सा है, बीटा, सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 21, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 2×10⁻⁴। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP एट दिस टेम्परेचर, KSP की वैल्यू निकालनी। देखिए, अगर हम इस CaF2 की आयोनाइजेशन की बात करें तो ये इस तरह से आयोनाइज होता है। अब हमें ये बता रहा है कि कैल्शियम का अगर 1 मोल है कैल्शियम आयन का, तो फ्लोराइड आयन के 2 मोल है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी जितनी होगी फ्लोराइड आयन की सॉल्युबिलिटी उससे डबल होगी। अब चूंकि उसने सॉल्युबिलिटी बता दी है 2×10⁻⁴, तो अगर इसके लिए इतनी होगी तो इसके लिए देखिए डबल होगी, हमने वैल्यू लिख दी। इसका KSP इसके बराबर होगा। अब देखें, इसमें ये इसकी सॉल्युबिलिटी है और ये इसकी सॉल्युबिलिटी है, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है, तो हमने इसको 2 times लिख दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 4×4=16, 16×2=32, तो 32×10⁻⁴ क्या होगा, -12। जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.2×10⁻¹, सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 22, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स करेक्टली मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेसिस एक्सेप्ट। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जब एक एसिड H+ ion लूज कर देता है तो जो स्पीशी बाकी बचती है उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। देखिए, HCl में से जब H+ निकल जाता है बाकी Cl- बचता है, H2SO4 में से जब एक H+ चला जाता है तो HSO4- बचता है, C6H5OH में से H+ चला जाता है तो बाकी बचता है C6H5O-। लेकिन ये जो चार लिए H3BO3, जिसे हम आर्थोबोरिक एसिड या जस्ट बोरिक एसिड कहते हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ होती है, देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, इसकी स्ट्रक्चर है B और यहाँ पे ऐसे OH, इधर भी OH, इधर भी OH, जैसे BF3 की शक्ल होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जब आप इसे वाटर में डालते हैं तो चूँकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वाटर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो वो यूं इस बी के साथ बना देता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें, अब हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगी, और से देखिए, अब ये जो वाटर जुड़ा था हम उसे इधर ऐसे करके बना देते। अब चूंकि ओ ने लोन पेयर दिया था पॉजिटिव और बी ने लोन पेयर लिया था तो चार्ज नेगेटिव। अब ये जो H है ये अपना बॉन्ड इस O को देगा। अब देखिए बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा B के साथ इधर भी OH, B के साथ इधर भी OH, इधर भी OH, इधर भी सिर्फ क्या बचेगा, OH बचेगा, और B पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, तो ये एक एनायन बन जाएगा। और इस H ने चूंकि अपना बॉन्ड दिया तो H पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब जब H3BO3 पानी में डाला जाता है तो सिर्फ कितने आयन रिलीज होते हैं, H ion, एक H ion, जबकि साथ देखें ये H2BO3- नहीं है। आप देखें ये तो क्या है, इसके अंदर 4 OH हैं,
एक बी है, यानी बी ओ एच होल फोर और ऊपर क्या है माइनस है, बी ओ एच होल फोर माइनस। ये है कॉन्जुगेट बेस, कब, जब आर्थोबोरिक एसिड क्या दे देता है, एच आइन दे देता है। सो द आंसर इज चार। इसके लिए थोड़ी सी कुछ हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं। देखें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की एक टर्म होती है, वो क्या होता है कि जब एक एसिड एच प्लस दे देता है तो जो बाकी बचता है वो कॉन्जुगेट बेस है। अब उस कॉन्जुगेट बेस और शुरू वाले एसिड के पेयर को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मिसाल के तौर पे HCl एक एसिड है, अब जब ये H प्लस दे देता है तो बचता है Cl माइनस, तो अब HCl और Cl माइनस को हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसी तरह ये H2SO4, इथाइन, फिनोल, अमोनिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये अभी पढ़ा था आर्थोबोरिक एसिड जिसका हमने कहा था जो कॉन्जुगेट बेस है वो BOH4-। अब इसी तरह कुछ बेसेस हैं, जैसे अमोनिया है ये H प्लस लेगा तो ये बनेगा, C2H5- H प्लस लेगा ये बनेगा, NaOH है H प्लस लेगा वो OH आयन से मिलके वाटर बना देगा तो हम कहेंगे एक्वस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह फिर हमारे पास क्या है ZnOH होल टू आइस है, अब जब ये एक OH आयन चला जाएगा किसके साथ, H प्लस के साथ, तो बाकी बचेगा ZnOH प्लस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक ओ एच आइन चला जाएगा किसके साथ, एच प्लस के साथ, तो बाकी बचेगा ए एल ओ एच होल टू आइस प्लस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह C6H5NH2 है, जब ये एच प्लस लेगा तो C6H5NH3+ बन जाएगा। अब यहाँ से हमें कुछ कंक्लूजन भी निकालने चाहिए। देखें कंक्लूजन ये निकालते हैं कि स्ट्रोंगर इज एसिड तो वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। मिसाल के तौर पे देखिए HCl अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो उससे बनने वाला Cl नेगेटिव एक वीक बेस है, और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है तो एसीटेट आइन Cl नेगेटिव आइन की नस्बत कैसे बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी आसान लफ्जों में हम इसे जस्ट ऐसे लिख सकते हैं कि Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। अगली बात, हायर इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेम सेंट्रल एटम इन ऑक्सी एसिड्स मोर इज एसिडिक करेक्टर, जैसे HClO4, HClO3, HClO2, HClO है तो इसमें HClO4 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा +7 तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इन सबसे H+ निकाल दें तो जो एनायन बनेंगे उनकी बेसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल इनवर्स या उलट हो जाएगी। अब ये ऑर्डर है कैसे, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल हम लिख लेते हैं। जैसे HClO4 है ना, उसकी ये स्ट्रक्चर होती है, ये है HClO4। अब यहाँ चूंकि Cl जो है ये +7 है तो इसकी इन O के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, तो जब ये Cl इन O के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींचेगा तो ये O किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन आसानी से लूज हो जाएगा, इस तरह इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो याद रखना है, वैसे भी जो मिनरल एसिड्स हैं उनमें सबसे स्ट्रांग एसिड HClO4 है, इवन HCl से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये एक और ऑर्डर हो गया। तीसरी बात क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स या बेसिस उस सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है जिसके अंदर आपने ऐड किया। मिसाल के तौर पर ये जो HCl है, अगर आप ये वाटर में डालेंगे तो वाटर में खूबी है कि ये इसके H प्लस को खींच सकता है, यानी इससे H प्लस ले सकता है, तभी HCl H आइन दे सकता है, इसीलिए HCl वाटर में एसिड है। यही अगर HCl बेंजीन में डाल दें तो बेंजीन में H प्लस लेने की सलाहियत नहीं है, तो फिर HCl बेंजीन में क्या नहीं होगा, एसिड भी नहीं होगा। क्वेश्चन 23, कैलकुलेट pOH ऑफ 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl सॉल्यूशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि HCl आयोनाइज होगा तो HCl एक मोल तो H आइन भी एक, Cl आइन भी एक। अब HCl की कंसंट्रेशन बताई 10⁻⁴ मोलर, तो फिर H आइन भी 10⁻⁴ मोलर ही होंगे। pH क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन,
तो अगर हम इसकी नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो पीएच 4 निकल आएगी। अब क्वेश्चन में पीओएच पूछा, तो पीएच और पीओएच का सम कितना होता है 14, तो 14 में से जब पीएच माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी पीओएच, सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन 24, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय, अभी अभी हमने बड़ी डिटेल से देखा कि कॉन्जुगेट एसिड वो होता है जिसमें एच प्लस होता है और कॉन्जुगेट बेस वो होता है जिसमें से एच प्लस निकल गया होता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक हमारे पास है एच सी एल, तो ये एच सी एल क्या है, ये एक एसिड है, और सी एल माइनस क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है। कब, जब एच सी एल से एच प्लस निकल गया है, तो आप देखें ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है इन दोनों में सिर्फ किस चीज़ का ही फर्क है, एच प्लस का ही फर्क है ना, सो एच प्लस को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन, आंसर अल्फा। क्वेश्चन 25, द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, भाई चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, मतलब चाहे आप वाटर में एच आयन डाल दें चाहे ओ एच आयन डाल दें, एसिडिक बेसिक तो वो जरूर हो जाएगा, लेकिन के डब्ल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो जो रूटीन में 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है 10^-14, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में भी क्या होगा 10^-14, अलबत्ता अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के डब्ल्यू बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो के डब्ल्यू कम हो जाएगा, सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 26, ड्यूरिंग कंटेक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4 सिंथेसिस द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, अब देखिए ये रिएक्शन है, विच स्टेप इज यूज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3, अल्फा है टेम्परेचर इज रेज टू वेरी हाई डिग्री। देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन चूंकि ये एक्सो है, अभी हमने डिटेल से समझा था कि फॉरवर्ड के लिए टेम्परेचर का बढ़ाना फेवरेबल नहीं है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट जरूर बढ़ेगा, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी, पर रिवर्स ज्यादा और फॉरवर्ड कम, तो प्रोडक्ट की यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बीटा, SO3 फॉर्म्ड इज नॉट रिमूव्ड, कि SO3 जो बन रहा है आप उसे ना निकालें, तो भाई अगर आप इसे नहीं निकालेंगे तो रिएक्शन किस तरफ नहीं जाएगा, फॉरवर्ड नहीं जाएगा, तो यील्ड नहीं बढ़ेगी। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट वेरी लो, टेम्परेचर लो करेंगे इसके लिए फेवरेबल होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। प्रेशर कम करने का क्या मतलब है, कि भाई वॉल्यूम बढ़ा दें, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब मोल बढ़ना, लेकिन आप देखें फॉरवर्ड जब जा रहा है तो मोल तो कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात गलत है। डेल्टा, एन एक्सेस ऑफ एयर इज यूज टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट साइड, तो अगर हम एयर यानी ऑक्सीजन ज़्यादा डाल दें यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो यील्ड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 27, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट, देखिए यहाँ केसी और उसके इफेक्ट की बात की हुई है। केसी हम जानते हैं ये बराबर होता है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कब, जब कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस में किस में कन्वर्ट हो रहे हो, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखिए अल्फा में केसी 10^-3 से 10^-3 है, तो देखिए ये वैल्यू हमें शो करा रही है कि ये वैल्यू बहुत छोटी भी नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है, तो जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, एप्रिशिएबल अमाउंट मौजूद होती है किसकी, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी, तो अल्फा सही है। बीटा, केसी 10^-3 से छोटी है यानी वेरी स्मॉल है, देखिए केसी जब स्मॉल होगी तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट्स कम होंगे, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमिनेटर छोटा होगा, तो बिल्कुल यहाँ यही लिखा हुआ है तो ये भी सही है। चार्ली, केसी लार्ज है 10^-3 से, देखिए लार्ज हमें बता रही है कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स कम होंगे, अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो रिएक्शन किसकी तरफ जा रहा होगा, कंप्लीशन की तरफ, तो ये भी सही है।
delta if Kc is equal to 10 raised to power minus 13 at 2000 degree Celsius. ये किसके लिए होता है? ये एच एफ की डीकम्पोजिशन के लिए होता है. एच एफ की डीकम्पोजिशन इस तरह से होती है, लेकिन इसके Kc की जो वैल्यू है ये 10 रेज टू पावर माइनस 13 है, वो भी कितने टेम्परेचर पे? 2000 डिग्री सेल्सियस. यानी इतना टेम्परेचर दें तब भी इसके Kc की इतनी वैल्यू, जो कि बहुत कम है. जब ऐसा हो तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट्स हाईली स्टेबल हैं और प्रोडक्ट्स हाईली अनस्टेबल हैं. तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट इज हाईली अनस्टेबल, तो ये बात गलत है. सो द आंसर इज डेल्टा. क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ Kc. देखें, डिटरमिन करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. बिल्कुल जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो Kc है वो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की रेशियो है. किसके साथ? रिएक्टेंट्स के साथ. तो अगर मैं ये कहूँ मिसाल के तौर पे कि ये जो रेशियो है ये बड़ी है Kc से, यानी Kc से ये बड़ी है, मतलब प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो गए हैं किससे? रिएक्टेंट से. तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन किसकी तरफ जाएगा? रिएक्टेंट्स की तरफ, यानी किस तरफ? रिवर्स डायरेक्शन में, एंड वाइस वर्सा. तो ये हमें बताती है क्या? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. जैसे अभी हमने कहा था Kc बहुत ज़्यादा तो रिएक्शन कम्प्लीट होगा तकरीबन, Kc बहुत कम इसका मतलब रिएक्टेंट स्टेबल होंगे, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट ही नहीं होते. तो ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बताती है. इट हेल्प्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. ये सारे इफेक्ट हम स्टडी कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन. बिल्कुल गलत. अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो इसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स, या जिसे कहते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स. सो द आंसर विल बी डेल्टा. क्वेश्चन 29, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड. देखिए ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये आयोनाइज होगा तो इस तरह से होगा. अगर ये बेरियम हाइड्रोक्साइड 10 रेज टू पावर माइनस 4 है तो OH आयन उससे डबल है, यानी 2×10 रेज टू पावर माइनस 4. अब POH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन. जब हमने ये फार्मूला पुट किया तो POH आ गई 3.7. क्वेश्चन में पूछा हुआ था pH, चूंकि pH और POH का सम 14 होता है तो अगर हमने pH निकालनी है तो 14 में से POH माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? pH. सो द आंसर विल बी अल्फा. यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आपको log 1, log 2 और log 3 की वैल्यूज याद होनी चाहिए. क्वेश्चन 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द यूनिट ऑफ Kc इज पर मोल DmQ. अब मोल की पार माइनस 1 और Dm की पार 3. यानी देखिए वैसे जो होता है मोल पर DmQ उलट होता है ना, वो उलट कब होगा? जब ऊपर हो मोल पर DmQ. इसका मतलब नीचे बचेगा मोल पर DmQ. नीचे मतलब अभी हमने Kc पढ़ा था. Kc क्या होता है? ये होता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की रेशियो किसके साथ? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ. अब इसका मतलब रिएक्टेंट्स के एक मोल प्रोडक्ट से ज़्यादा होंगे. तो अब आप देखें पहले में 2 मोल का फ़र्क है, गलत हो गया. दूसरे में प्रोडक्ट के 2 ज़्यादा हैं रिएक्टेंट का, सॉरी 2 हैं रिएक्टेंट का 1 है, तो 1 का फ़र्क है, लेकिन ऊपर वाले ज़्यादा हैं ना, तो ये मोल पर DmQ होगा. यहाँ देखें ऊपर भी 2 नीचे भी 2, इसका मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी. यहाँ प्रोडक्ट के 2 मोल और रिएक्टेंट के 3 मोल, तो 2 की यूनिट 2 से क्या हो जाएगी? कैंसल. 1 की नीचे जब होगी मोल पर DmQ, ऊपर जाएगी तो पर मोल और DmQ. सो द आंसर विल बी डेल्टा. क्वेश्चन 31, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 2×10 रेज टू पावर माइनस 10 मोल की पावर 2 Dm की पावर माइनस 6. द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन इन द सोल्यूशन इज, यानी बेसिकली हमसे क्या पूछा हुआ है? सॉल्युबिलिटी पूछी हुई है. तो अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए AgCl से बनेगा Ag+ और Cl-. अब जब हम इसका Ksp लिखेंगे तो वो Ag+ की कंसंट्रेशन की पार क्या होगी? 1, और Cl- की कंसंट्रेशन की पार भी 1 होगी. फिर Ksp किसके बराबर है?
इसकी जगह अगर हम लिखें सॉल्युबिलिटी वन है तो एस हो गया, इसकी भी वन है, यानी जब ये वन वन बनता है तो ये भी एस, ये भी एस, इसकी पावर भी वन है, इसकी पावर भी वन है, तो के एस पी बराबर होगा एस स्क्वायर के। अब चूंकि हमें क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और क्या पूछ लिया, सॉल्युबिलिटी, यानी अब सॉल्युबिलिटी हमने निकाल ली, तो टू जाके उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एस बराबर होगा किसका स्क्वायर रूट, के एस पी का स्क्वायर रूट। अब देखें ये आपके पास है 2 × 10⁻¹¹। देखिए कुछ भी और आपको याद नहीं होना चाहिए, देखिए जब आप 10⁻¹¹ का यहाँ पुट करके स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इसका हाफ हो जाएगा ना, वो होगा 10⁻¹⁵। तो 10⁻¹⁵ की एक ही ऑप्शन है, कौन सी है, चार्ली। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी वीक बेस। याद रखिए सबसे पहली बात, अगर हम कहते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, किसकी निस्बत, अदर हाइड्रोक्साइड्स की निस्बत। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में इनमें सिर्फ एक ही मेटल का हाइड्रोक्साइड है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सबसे स्ट्रांग होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अदर हाइड्रोक्साइड में आ जाएगा, ये उससे वीक होगा। अब हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं किससे, अमाइंस से। लेकिन अब अमाइंस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एरोमेटिक अमाइंस और एक होते हैं अल्काइल अमाइंस। जो अल्काइल अमाइंस हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे किसकी निस्बत, एरोमेटिक अमाइंस की निस्बत। वजह देखिए, जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं उनमें नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये अवेलेबल नहीं होगा किसके लिए भला, किसी भी H प्लस के लिए कि उसको डोनेट किया जा सके। तो जब ऐसा होगा तो फिर इनकी स्ट्रेंथ आम या अल्काइल अमाइन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब आप देखिए आपके सामने ये चार्ली पे अल्काइल अमाइन है और डेल्टा पे एरोमेटिक अमाइन है, तो एरोमेटिक अमाइन अल्काइल अमाइन से कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा। तो फिर ऑर्डर अगर होगा तो ऑर्डर ये होगा, देखिए ये सबसे स्ट्रांग है, ये भी वीक है, ये उससे ज़रा वीक है और ये वेरी वीक है। क्वेश्चन था वेरी वीक, तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 33, N2 एंड H2 कंबाइन टू गिव अमोनिया। द वैल्यू ऑफ Kc इन दिस रिएक्शन एट 500 केल्विन इज 6 × 10⁻²। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन जबकि R की वैल्यू 0.1 है। अब ये है अमोनिया की फॉर्मेशन का रिएक्शन, यहाँ पे डेल्टा N यानी प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल का डिफरेंस −2। Kp बराबर होता है Kc into Rt raised to power delta n। अब Kc की वैल्यू ये थी, R ये और T की ये वैल्यू पुट कर दी, अब इनकी पावर −2 है, इसका मतलब है आप इसे नीचे लिख देंगे तो पावर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों की पावर 2 का मतलब ये दो दो दफा है, लिख दिया हमने, ये पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 10, ये उड़ाएंगे ऊपर 10, यानी ऊपर 10 × 10 यानी 10⁻²² हो जाए, लिख दिया हमने। अब क्या होगा, अब ये जो नीचे 500 था, 500 का मतलब है 5 × 100, तो मैंने इसको भी 5 × 100 लिख दिया, दूसरे को भी 5 × 100 लिख दिया, तो ये वाला 100 इस 100 से क्या हो गया, कैंसल। अब क्या हमने चेंज किया कि ये 10⁻²² है, नीचे ये 100 है, ये ऊपर जाएगा, ये भी 10⁻²² हो जाएगा। अब ये 6 है और नीचे हमारे पास है 5 × 5 यानी 25, 6 / 25 करेंगे तो ये 0.24 आ जाएगा। 10⁻²² दो दफ़ा है, ये 10⁻²⁴ हो जाएगा। इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻¹₁। तो जब ये −4 में ऐड होगा तो 2.4 × 10⁻¹⁵,
So the answer is alpha. Question 34. Which of the following is moderate reaction in which the value of Kc is neither very large nor very small? अब इसका आंसर देखने के लिए हमें कॉमन सेंस लगानी है. देखिए अल्फा 2O3 से 3O2 बनता है. इसकी वैल्यू आपको पता है, आपकी बुक में दी हुई है. कितनी वैल्यू है इसकी? वैल्यू 10^55 है 25 डिग्री सेल्सियस. बीटा भी आप जानते हैं, इसकी वैल्यू 10^-13 है 2000 डिग्री सेल्सियस. चार्ली और डेल्टा को आपने विद रिस्पेक्ट टू केसी डिस्कस नहीं किया हुआ. अब अगर आपने इसको केसी के हवाले से डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन आपने एक्सो और एंडो के हवाले से ज़रूर डिस्कस किया हुआ. जब हम एक्सो और एंडो की बात करते हैं तो आप देखें इसका जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होता है, यानी ये एक्सोथर्मिक है, जबकि ये इसका डेल्टा एच एंडोथर्मिक है, यानी ये पॉजिटिव है. अब हमें ये ज़रूर पता है कि जितना कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है उसके प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जितना एंडोथर्मिक होता है उतना उसके प्रोडक्ट लेस स्टेबल होते हैं. अब जिसके प्रोडक्ट हैं ही लेस स्टेबल तो वो फॉरवर्ड आसानी से जाएगा या मुश्किल से? मुश्किल से जाएगा. तो इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा है जिसकी केसी वैल्यू कम होगी? तो वो डेल्टा ही लगता है. तो फिर चार्ली ऐसा होगा जिसकी केसी वैल्यू ना तो बहुत बड़ी होगी ना वो बहुत छोटी होगी. अगर इसकी केसी वैल्यू बहुत बड़ी होती तो हमें कभी भी हैबर्स प्रोसेस में इतना खर्चा करके अमोनिया ना बनाना पड़ता. सो द आंसर इज चार्ली. क्वेश्चन 35. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. देखिए इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब अभी डिस्कस किया था डिक्रीज इन वॉल्यूम, और डिक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब है डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल. किस तरफ को कह रहा है? बैकवर्ड को. अब बैकवर्ड को डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल जिधर हो रहे होंगे ना वही वाला हमारा रिएक्शन होगा. देखिए अल्फा में रिएक्टेंट के मोल कम है, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा, तो पक्की बात है आंसर अल्फा ही है. बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.